ये हमारा दरवाजा है और इस दरवाजे के अंदर ये लॉक लगा रहे हैं। तो आप पहले ये देख सकते हो कि ये दरवाजा किस तरफ खुल रहा है। सो ये हमारा दरवाजा इस तरफ खुल रहा है और इस तरफ ये बंद हो रहा है, ठीक है। और अब हमारा जो लॉक है वो भी सेम इस तरह ही है। अपनी जो ठेसी देख रहे हैं आप, ये भी सेम इस तरह ही बंद हो रही है। और अगर आपका दरवाज़ा इस तरफ बंद होता है, इस तरफ ये जैसे इस तरफ बंद हो रहा है, वैसे ही अगर आपका दरवाज़ा इस तरफ बंद होता है तो आपको क्या करना है, जो आपको ये ठेसी दिख रही है इसको आपको इस तरीके से घुमा लेना है। तो इसको इस तरीके से कैसे घुमाएंगे, आप ये देख सकते हो ये ठेसी। तो आपको लॉक को या तो इसको ऐसे उल्टा कर लेना है, उल्टा करने के बाद में अपनी जो ठेसी है वो नीचे चली गई है। तो फिर आपको बहुत ही सावधानी से इसको ऐसे अंदर पुश करके इसको आपको इस तरीके से घुमा लेना है। तो ये आप देख सकते हो, फिर आपका जो दरवाज़ा इस तरफ बंद हो रहा है, ये बॉडी उसके अंदर ये ठेसी आपकी इस तरीके से काम करने लग जाएगी। सो आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और अब हम इसको यहाँ पर मार्किंग करेंगे कि हमको लॉक की साइड पर लगाना है। तो नॉर्मली लॉक का जो हैंडल रहता है वो 42 और 40 इंच के बीच में अपना जो लॉक का हैंडल है वो रहता है। तो मैं यहाँ 41 इंच पर मार्किंग कर रहा हूँ। ये वो मार्किंग है जो अपना हैंडल लगेगा, ये वो मार्किंग मैं कर रहा हूँ। और मार्किंग करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी जो इंची टेप है, ये वाली आपकी जो इंची टेप है, ये मार्बल को टच होनी चाहिए या आपको टाइल के ऊपर इसको टच कर देना है, दरवाजे को टच नहीं करना है। टाइल के ऊपर टच किया और फिर आपको जो हाइट पर आप हैंडल को रखना है उस हाइट पर आप मार्किंग कर देंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 41 इंच पर मार्किंग कर दिया हूँ। अब हमारा यहाँ पर ये 41 इंच पर हमने मार्किंग किया था, तो हम इस लॉक बॉडी को, जो आप ये होल देख रहे हो, इस होल का सेंटर और इसका मार्किंग का सेंटर आपको मिला लेना है। तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगा इस तरीके से, आपको ऊपर और नीचे मार्किंग कर लेना है। सो आपको समझ में आ रहा होगा, आप ये देख सकते हो ये हमारा मार्किंग हो गया है। और अब हम यहाँ पर एक सेंटर में मार्किंग कर देंगे, ये ऐसे आपको फिर आपको सेंटर में मार्किंग कर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक गुणिया लेना है और जो हमने बॉडी का मार्किंग किया था तो ये एकदम करेक्ट मार्किंग हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। तो 2-3 mm हम थोड़ा इसको नीचे कर लेंगे और 2-3 mm हम थोड़ा सा ऊपर से इसको मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये पाना लिया है मैंने, ये पाना मैंने इस बॉडी से 4 mm लूज़ लिया है। तो इसकी मदद से मैं यहाँ पर होल कर लेता हूँ और आप देख सकते हो ये कितना अंदर जा रहा है। तो आपको पाना इससे आपको 2 या 3 सोती आपको अंदर रखना है, ठीक है। तो मैं इसको होल कर लेता हूँ। होल करते समय आपको ये ध्यान में रखना है, आपकी मशीन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलनी चाहिए, अन्यथा अगर ये पाना अगर इधर निकल गया तो आपके पूरे दरवाजे की वाट लग सकती है। और आपको पाना थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी इसके अंदर लूज़ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर होल पाड़ लेता हूँ और होल पाड़ते समय आपका दरवाज़ा हिलना नहीं चाहिए। इसके अंदर मैंने फर्सी लगा दी है और नीचे से इसको मैंने जाम कर दिया है, आप ये देख सकते हो दरवाज़ा जाम है, दरवाज़ा आपका हिलना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब आप होल करोगे तो मशीन को थोड़ी सी ऊपर रखनी है ताकि अपनी जो बॉडी है वो अंदर जाके कहीं अड़े नहीं। तो थोड़ा सा आपको क्रॉस में होल पाड़ लेना है, सेम ऊपर ही आपको मशीन को नीचे कर लेनी है। और नीचे वाला होल पाड़ोगे तो आपको मशीन को थोड़ी ऊपर कर लेनी है। सो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से होल कर दिया है और अब हम इस पानी की मदद से इसको आड़ा टेढ़ा चलाकर इसको साफ कर लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने इसको साफ कर लिया है। सो हमारा खांचा हो गया है और अब हम इस फर्सी और इस बीचड़े की मदद से हम इसको एकदम चौरस कर देंगे, साफ कर देंगे बिल्कुल। खांचा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारी इस बॉडी को अंदर लगा के देखेंगे कि ये कंप्लीट आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके अंदर लगा के चेक कर लेते हैं। सो वेरी गुड, कंप्लीट, आप देख सकते हो ये कंप्लीट आ रही है और इसके अंदर थोड़ी सी चाल है। तो एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी बॉडी इसके अंदर बैठ चुकी है और अब हम इसका मार्किंग करेंगे। तो इसको आप देख सकते हो ये इसके अंदर थोड़ी सी चाल है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अपना मार्किंग हो गया, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब ये वाला जो आपको मार्किंग दिख रहा है, इसको आपको खांचा मारना है। और खांचा कितना मारना है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, ये 4 mm जितनी जाड़ी
आपको दिख रही है तो आपको यहाँ पर 5 mm का खांचा लगा देना है, तो आपकी 1 mm ये थोड़ी सी अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये खांचा कंप्लीट लग चुका है चौरस। ठीक है, और अब हम इसको इसके अंदर लगा के देख लेते हैं। तो आप ये सो आप ये देख सकते हो, सो हमारा ये लॉक इसके अंदर फिट हो चुका है। और अब हम ये हैंडल लगाएंगे इसके ऊपर साइड में, तो अब हम इस हैंडल का मार्किंग कर लेते हैं। सो अब आपको हैंडल और सिलेंडर लगाने के लिए आपको इसके ऊपर एब्रो टेप लगा देनी है ताकि आपका लेमिनेट ख़राब ना हो। इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे, आपको दोनों तरफ ये टेप लगा देनी है। हमने यहाँ पर इसको एक मार्किंग कर लिया है और एक हम नीचे की साइड से बराबर रख के कर लेंगे और इसका भी मार्किंग कर लेंगे। ये आपको सेंटर लेना है इसका। अब हम इसको यहाँ उतार लेंगे और इसको यहाँ उतार लेंगे और इसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, ये हमारा दो मार्किंग हो गया और ये एक मार्किंग हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर इसको लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी इसके अंदर लग चुकी है और अब हम इसका मार्किंग उतार लेंगे इस दरवाजे के ऊपर। तो इस तरीके से आपको मार्किंग मिला के मार्किंग कर लेना है। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पर इसको मार्किंग मिला लेते हैं और ऊपर वाले को भी मिला लेते हैं। अब आपको ये चीज़ देखनी है आपकी जो लॉक की जो पत्ती है ये कितनी अंदर है, कितना आपने अंदर खांचा लगाया। तो मेरी ये 2 mm जितनी इसके अंदर जा रही है। ठीक है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में ये जो मार्किंग है इसको आपको इधर इस टेप के ऊपर लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने मार्किंग इधर मिला लिया है, ये वाला मार्किंग हमने उधर भी कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिला लेना है। ये बॉडी आपको अंदर कितनी लगानी है, जितना आपके अंदर ये खांचा लगाने के बाद में कितनी अंदर जा रही है, तो इस तरीके से आपको इसको मिला लेना। तो आप ये देख सकते हो मेरी ये थोड़ी सी अंदर है, तो मैं यहाँ पर ये मार्किंग कर लेता हूँ और इसका भी मैं मार्किंग मिला लेता हूँ। ठीक है, ये अपना मार्किंग हो गया और ये वाला वो मार्किंग हो गया। सेम उधर भी आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। सो हमने उधर भी मार्किंग कर लिया है और अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लेंगे और इसका भी हम सेंटर देख लेंगे। इस तरीके से आपको इसका सेंटर मिला लेना है ताकि अगर आपकी बॉडी थोड़ी ऊपर नीचे भी रह जाए तो अपना ये मार्किंग क्लियर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक 12 mm का पाना लेना है और यहाँ पर इसको होल कर देना है। सो हमने ये होल कर लिया है, आप ये देख सकते हो ये इसके अंदर थोड़ी लूज होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा टाइट हो रहा है, इजीली नहीं घूम रहा है, तो आपको थोड़ा सा बड़ा होल कर लेना है। ठीक है, तो अब हमारा ये दोनों होल हो गए हैं और अब हम इसका होल कर लेते हैं। सेम यही होल हम उधर भी कर लेते हैं। अब जो हमारा माल रह रहा है इस फर्शी की मदद से इसको साफ कर लेंगे। ये दोनों तरफ से हमने इसको खांचा मार लिया है, तो अब हम इसको अंदर लगा के देखते हैं। ये हमने इसको अंदर बिठा दिए हैं और अब आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आपका जो ये होल हुआ था वो एकदम सही है या नहीं है। और ये जो सिलेंडर है इसके अंदर आपको लगा के चेक कर लेना है, तो ये बराबर आ रहा है, कंप्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको सही तरीके से दोनों तरफ चेक कर लेना है और फिर इसके अंदर आपको स्क्रू लगा देने हैं। अब आप ये हैंडल देख रहे हो, इस हैंडल के अंदर ये नीचे ये एलंकी दी हुई है और ये ठेसी है। इस ठेसी को आपको ये देखिए, ये थोड़ी सी इसके अंदर ग्रुप है, तो इस ग्रुप को आपको जो एलंकी की तरफ रखना है ताकि जो आप टाइट करेंगे तो इसके अंदर ये आसानी से टाइट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात आपको इसके अंदर इस तरीके से पहले चेक कर लेना है ये अपना बराबर आ रहा है। बहुत सारे लोग के अंदर ये गुल्ली थोड़ी बड़ी आती है तो इसको हमें काटना पड़ता है, तो ये ऑलरेडी काफ़ी छोटी है तो हमें इसको काटना नहीं है, इसको डायरेक्ट ही लगा देना है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसके अंदर इसको लगा देंगे। तो आपको ये चेक कर लेना है, इसके अंदर ये लेफ्ट राइट का सिस्टम है, तो ये इस तरफ घूम रहा है तो ये बाहर लगेगा और ये नीचे की तरफ घूम रहा है तो ये पीछे लगेगा। तो इसको हम यहाँ पर किस तरीके से लगाना है, अब आपको इसको इसके अंदर लगाना है इस तरीके से। ठीक है, ये अपना एकदम सीधा है, तो हमने यहाँ पर इसको मार्किंग कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे
ये अपना मार्किंग हो गया। अब ये सिलेंडर है, इसको आपको इसके अंदर डालना है, ये कैप जो है, ठीक है, और इसको अंदर, इसके अंदर आपको इस तरीके से लगा लेना है। इसके अंदर लगाने के बाद में ये आपको स्क्रू लगा देना है। ये हमारा स्क्रू लग गया, अब हम इसको चेक कर लेंगे, ये ओके है, रेडी है। ये अपना 60 mm का सिलेंडर है, आप 65 mm का भी ले सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन रेगुलर 60-65 mm के सिलेंडर ही चलते हैं। अगर आपका दरवाज़ा 1.25 inch का है तो आपको 60 mm या फिर 65 mm का सिलेंडर आपको ले लेना है, ठीक है। तो अभी हमारा सिलेंडर इसके अंदर जाम हो गया है, अब इस कैप को हम मार्किंग कर लेंगे जिस तरीके से हम ऊपर मार्किंग किया था। अब ये सीधा है, इसको हम सीधा करके चेक कर लेंगे और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये अपना मार्किंग हो गया, सेम उस तरह भी आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग कर लेने के बाद में इस सिलेंडर को आपको निकाल लेना है बाहर। इसके साथ में जो एलंकी आती है, इस एलंकी की मदद से हम इसको खोल लेंगे, ठीक है। ये हमारा खुल गया है और ये भी निकल गया है, तो अब हम इसका यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान देने लायक बात ये है, आपको इधर और इधर सेम जगह छोड़ देनी है और ऊपर नीचे सेम जगह आपको छोड़ देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मार्किंग कर लेता हूँ। अगर आपका दरवाज़ा 1.25 inch से ज़्यादा है या 2 inch का है या 1.25 inch का है तो आप इसके अंदर स्क्रू लगा सकते हैं, लेकिन अपना दरवाज़ा थोड़ा सा पतला है तो स्क्रू इसके अंदर बॉडी के टच हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर नट बोल्ट लगा देंगे। तो सेम प्रोसेस ऊपर भी आपको कर लेना है, इस तरीके से आपको उधर भी मार्किंग कर लेना है। अब हमने यहाँ पर ये मार्किंग कर लिए थे नट बोल्ट का, और अब हम इस पाने की मदद से यहाँ पर होल कर लेंगे, और बीट आपको इसके माप का ही लेना है, इससे बड़ा आपको नहीं लेना है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास ये 4 nut bolt हैं तो आप नीचे भी होल करके इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 nut bolt हैं तो आप यहाँ पर होल ना करें, इसके अंदर आप स्क्रू लगा सकते हैं, वो भी 1.25 inch के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये इसके अंदर होल कर लेता हूँ। ये हमारा होल हो गया है, सेम हम उधर भी होल कर लेते हैं। सो ये आप देख सकते हो ये नट बोल्ट काफ़ी बड़ा है, और मैंने इसको यहाँ से ये चूड़ी इसकी फुल टाइट कर ली है, उसके बावजूद भी ये थोड़ा इतना बड़ा है, ये आप देख सकते हो। तो इसको हम काट लेंगे, अभी ये फ़िलहाल 1/2 inch बड़ा है तो हम इसको 1 sut और कम काट लेंगे, यानी कि ये जितना आ रहा है उतना आपको 1 sut और इसको नट बोल्ट को ज़्यादा कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो सो हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 marking हो रहे हैं नीचे वाले, उसको आपको पंच करके इस टेप को निकाल देनी है, उधर भी आपको पंच करके यहाँ पर टेप को निकाल देनी है। कंप्लीट दोनों तरफ ये हमने लगा दिया है, और इसको हम इस तरीके से चेक कर लेंगे कहीं अटक तो नहीं रहा अपना सिलेंडर, और इस चाबी को हम यहाँ लगा कर इसको चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आप सिलेंडर को एक बार चेक कर ले, और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कहीं अटकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारा ओके है, लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। हम यहाँ पर चौकट की इसके ऊपर मार्किंग करेंगे और इसका खांचा लगाएंगे। तो अब आपको एक एडवेसिव लेना है, सो ये एडवेसिव मैंने ले लिया है, और यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ये इसको कोर को हम लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको बंद करके यहाँ पर इसका मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको बंद कर लेना है, और इसको आपको नीचे दबाते हुए अंदर खींचना है, ठीक है। तो हम यहाँ खींच, और अब आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ लेने के बाद में आपको चाबी को इस तरीके से आपको घुमाना है, तो आपका अच्छी तरह से मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। अपना मार्किंग हो गया, अब इसको नीचे दबाएंगे और इसको खोल देंगे। सो ये आप देख सकते हो, ये हमारा अपना मार्किंग यहाँ पर हो चुका है, और अब हम कोर बीट की मदद से यहाँ पर खांचा मार लेंगे। अब मैंने यहाँ पर यह 12 mm का कोर बीट लिया है, जो यहाँ पर इसका होल कर देंगे। अगर आप लकड़ी के अंदर लॉक लगा रहे हो तो आपको इसको इस तरीके से लगा देना है, और फिर यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेना है, ठीक है। ये इसका मार्किंग हो गया, और फिर ड्रिल मशीन की मदद से होल करके आपको ये पैकिंग अंदर लगा कर इस तरीके से आपको स्क्रू लगा देने हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरी ये चौकट ग्रेनाइट की है, तो मैं ये ना तो ये लगाने वाला हूँ और ना ही ये लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर केवल होल कर लेता हूँ, ठीक है।
ये हमारा खांचा हो गया है, ठीक है। और अब हम इस दरवाजे को बंद करके देखते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया है दरवाज़ा, ठीक है। और अब हम इसको वापस खोल देते हैं। सो ये एक प्रोसेस है लॉक लगाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।